हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हमने टेलीग्राम पे कुछ कॉल्स दिए थे जिसमें बीपीसीएल सिप्ला और एक्सिस बैंक था, राइट। आज हम उसका रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट पे जो बाइंग और सेलिंग दिया गया था एग्जैक्टली कौन से प्राइस पे वो हमें बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, राइट। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर आज का कॉल पसंद आया तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक करें। चलिए चलते हैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल्स पे और देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला जो आज कॉल्स दिया गया था फ्रेंड्स वो दिया गया था एक्सिस बैंक को बाई करने की जो है बात की गई थी, बाई करने के लिए बोला गया था 426 पे। एसएल को बोला गया था 422 पे मेंटेन कीजिए जो कि चार रुपए का था और टारगेट जो बताया गया था वो 433 रुपए का 433। तो सबसे पहले चलते हैं हम एक्सिस बैंक की तरफ और ये है एक्सिस बैंक और आपको बोला गया था कि 426 के लेवल पे, राइट, 426 के लेवल पे इसको बोला गया था आपको बाइंग करने को, राइट। तो यहाँ पे 426 रुपए को ढूंढने के सबसे पहले हम टाइमिंग देख ले, तो टाइमिंग जो है वो 10:34। तो 10:34 कौन सा कैंडल है फ्रेंड्स वो देखना है, 34 10 34, दिस वन, ठीक है। 426 के लेवल पे आप देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो 426 को इसने ही टच किया। 422 का स्टॉप लॉस बोला गया था आपसे, तो ये हो गया 422 का एसएल एग्जैक्टली दिस वन, और आपको 433 का इसमें टारगेट बोला गया था फ्रेंड्स, तो दिस वन इज 433। मैं आपको दिखाता हूं इसको, मैं कलर दिस वन ग्रीन कर देता हूं, देखिए ये आपको दिया गया था एग्जैक्टली और आप देख सकते हैं चूंकि इसमें 35 का लेवल था लेकिन मैंने आपको 33 एक सेफ्टी जोन के लिए दिया था और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टच होने के बाद ही जो है ये यहाँ से मूव कर गया, ठीक है, और इसमें आपको टारगेट बहुत ही अच्छे से दे गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपने पोजीशन लगाई होगी, जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन होगा, जिन लोगों ने यहाँ लगाया होगा यहाँ पे एक कि थोड़ा सा एक लॉन्ग पड़ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, और ये आपका जो टारगेट है वो दे गया, राइट। यहाँ पे जो टारगेट है 7 रुपीज का लगभग, ठीक है, वो दे गया यहाँ पे और आप देख रहे हैं ये घूम गया। तो यहाँ पे पहला जो एक्सिस बैंक का कॉल था फ्रेंड्स वो सक्सेसफुली रहा और बहुत ही अच्छा मूव किया यहाँ पे कहीं भी। हाँ, ये रेड ग्रीन करके ऊपर भले ही जा रहा था लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं थी क्योंकि एसएल यहाँ पे आपके पास भी नहीं आया, वो भटकने भी नहीं आया और अभी आप देख रहे हैं टारगेट मिलने के बाद वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो एक्सिस बैंक का हमारा कॉल था आज का वो सक्सेस रहा। सेकेंड वन बात करें फ्रेंड्स वो था बीपीसीएल, बाई करना था 388.70, 388.70 84.90 का एक स्टॉप लॉस था, 93 का टारगेट था और 10:38 पे इसको पोस्ट किया गया था। तो इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ पे बीपीसीएल, राइट, बीपीसीएल को जो था वो था 388.70 और 384, 10:38 फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:20, 10:30, 10:35, 40 इस वाले कैंडल पे आपका दिया गया था, ठीक है, और 388.70 आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स दिस वन, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ ब्लू कलर में, ठीक है। तो देखिए इसमें जो दिया गया था 388.70 के ऊपर बाई करने की सलाह थी और जो टाइमिंग था वो 10:38 था। तो दिस वन, ये कैंडल्स आपका 10:35 यही जाएगा 10:40, 10:38 तक, तो 388.70 जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस रेंज के पास नहीं आया और ये नीचे की तरफ मूव कर गया, फिर से वो वही गया और फिर यही से मूव कर गया, मतलब यहाँ पे कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं था, राइट, यहाँ पे कहीं भी बाइंग नहीं था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से भले ही ऊपर जाए लेकिन इसके ऊपर वो क्रिएशन नहीं कर रहा है, ये क्लोजिंग नीचे कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बाइंग का कोई सिनारियो मिला ही नहीं हमें, सेल का मैंने आपको कोई कॉल्स दिया ही नहीं था, राइट, ठीक है।
थर्ड वन जो है फ्रेंड्स वो था सिप्ला। ठीक है, तो ये रहा सिप्ला, और सिप्ला में आपको बोला गया था बाई करने के लिए 660.90, राइट है, 660.90 अप्रोक्स दिस वन। मैं यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, 660.90 कुछ ये पॉइंट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं पहले, एंड इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये पॉइंट कुछ है 86 है 90, ठीक है। और आपको जो इसमें हमने कॉल्स देने की कोशिश की थी, ये अप्रोक्स ये कैंडल था 1045 और 50 का लेवल चल रहा था, यही दो कैंडल्स में से कोई एक होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, और मैंने आपको इसमें प्रॉपर वे में जब कैंडल्स वो यहाँ चल रही थी अप्रोक्स इस पोजिशन पे है ना, हाँ 2:05 पे लगभग मैंने आपको एक चीज बोला लिखा, मतलब मैंने आपको इंडिकेट किया कि सेफ फॉर सेफ्टी पर्पस क्या करना है अपने को, या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए या फिर एग्जिट हो जाइए, राइट। और इसमें जो है एग्जिट होने की सलाह मैंने फिर बाद में दे दी थी। अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो 1:4 का, और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करने को बोला गया था वो 58 रुपीज का था, ठीक है। आप देखेंगे तो 1:5 का लेवल लगभग यहाँ पे हुआ था, दो रुपए समथिंग पैसे का, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉल 1:5, लेकिन मेरा जो इसमें टारगेट था वो 690 का दिख रहा था मुझे इस लेवल तक कुछ, ठीक है। इसी लिहाज से मैंने यहाँ तक का आपको दिया था, जो लेवल्स मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी आप जिस पोजीशन पे भी एग्जीक्यूट किए होंगे अपने पोजीशन को, वैसे नॉर्मली जो है 660-90 पे बहुत लोगों ने एग्जीक्यूट किया, उन्होंने मेरे को स्नैपशॉट भी भेजा व्हाट्सएप पे, राइट। और उसमें क्या किया, कितने लोगों ने जो है 1:2, 1:3, 1:4 लेके निकल गया, वो लालच नहीं किया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर जोन से, और वो जाके अभी राइट ये किस पे 2:45 पे इसने इसको सीधे ही वो गैप डाउन किया। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, शायद सही हो जाए, यस। ये देखिए 2:45 पे इसने इसको ब्रेक किया, राइट, और जाके तब SL आपका हिट किया। अदरवाइज ये आपके SL के पास भटकने भी नहीं आया, कितने बजे तक, 2:40 तक भटकने भी नहीं आया, टच भी नहीं किया 58 का लेवल, 58-60 समथिंग का, राइट। तो आप देख सकते हैं, और कितने जनों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया, ठीक है, मैं क्लियर बताऊं 1:2 क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस था आई थिंक सो 58-60 का था अप्रोक्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आप 61 पे भी लिए होंगे और 658-60 भी लेंगे, 2:40, ठीक है, और 661 माइनस, और जो इसका हाई लगा अप्रोक्स, मैं ये कैंडल्स ले लेता हूँ, चलिए 668.50, ठीक है, 7.50, ठीक है, 7.50 और 661 माइनस 658.6, ठीक है, 7.50 डिवाइडेड बाई 2.40। आप देखिए 1:3 का गेम इधर ही मिल गया आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में वो नीचे आया, ठीक है। तो कितने लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करी थी, ठीक है। तो ये था हमारा 3 कॉल आज का, BPCL, राइट, BPCL में कोई एंट्री नहीं, सिप्ला एंट्री मिला, लेकिन कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया 1:3 का लेवल, कुछ लोगों ने जो है शायद मेरे बोलने के बाद एग्जिट किया होगा, जिनका मेरे पास आया है मैंने उसका बता दिया, जिनका नहीं आया वो कोई बात नहीं है, ठीक है। और थर्ड वन जो था वो था एक्सिस बैंक, जो कि प्रॉपर वे में टारगेट हमको दे गया, प्रॉपर वे में टारगेट हमको दे गया, और आप देख सकते हैं अभी ये 28 का लेवल्स पे काम कर रहा है 33 को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। तो ये था आज का 3 कॉल्स, कैसा लगा 3 कॉल्स ये आपको टेलीग्राम्स पे जो दिया गया था, राइट। अगर पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं कल के दिन टेलीग्राम पे नए स्टॉक के साथ, ठीक है। जैसे ही कोई मोमेंटम मुझे मिलेगा, जो भी स्टॉक मेरे पास होंगे, राइट, ये सारे लिस्टेड स्टॉक थे इसलिए प्रॉपर जोन में जो है इसमें लिया गया था। ग्लेनमार्क भी था हमारे उसमें, लेकिन क्या था, ये ओपनिंग ही 10% के सर्किट के साथ, देन वो 30% आज उसने एक बढ़त के साथ काम किया, राइट। बजाज फिनांस भी था, ठीक है, लेकिन चूंकि एक बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है 2800-3000 का शेयर, तो वो ज्यादा नहीं। बजाज फिंसर में भी था, लेकिन दिक्कत क्या था, वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल्स के स्टॉक है, वो दिक्कत हो जाएगा, स्टॉप लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, वैसे मतलब ट्रेड नहीं हो पाएगा, राइट, इसलिए मैंने उसको देना उचित नहीं समझा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के साथ, राइट, तब तक के लिए धन्यवाद।